नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपको शनिवार के व्रत में सुनी जाने वाली महामुनि पिंपलाद की कहानी सुना रहा हूँ। दोस्तों इस कहानी के सुनने मात्र से ही 7 जन्म तक की शनि पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है और पुत्र पौत्र से युक्त होकर यश वैभव सदैव उसके साथ हो जाता है। एक बार त्रेता युग में वर्षा नहीं होने के कारण अकाल पड़ गया, चारों ओर हाहाकार मच गया। उस घोर अकाल में कौशिक मुनि अपने परिवार सहित निवास स्थान छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाने के लिए निकल पड़े। परिवार का भरण पोषण करना अत्यधिक दूभर हो जाने के कारण बड़े कष्टों से उन्होंने अपने एक बालक को रास्ते में ही छोड़ दिया। वह बालक अकला भूख प्यास से व्याकुल होकर रोने लगा। वह बालक चारों ओर इधर उधर दौड़ रहा था, उसे कुछ भी सहारा नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे अचानक एक पीपल का पेड़ दिखाई दिया। पीपल के वृक्ष के समीप ही एक बावड़ी थी। बालक पीपल के पत्ते व फल खाकर बावड़ी का ठंडा पानी पी लिया करता था। पीपल के फलों व पत्तों को खाने से उसमें ऊर्जा आई, उससे उसने भगवान की कठिन तपस्या करने लगा। रोजाना पीपल के फल व पत्ते खाकर भगवान की कठोर तपस्या करता। अचानक एक दिन वहां नारद जी पधारे, उन्हें देखकर प्रणाम किया और आदर पूर्वक प्रेम सहित बैठाया। नारद जी उसकी अवस्था व विपरीत परिस्थिति को देखकर उसके इस तरह आदर भाव देने से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक के सभी संस्कार किए और नारद जी ने बालक को वेदों का अध्ययन कराया और साथ ही मंत्र दीक्षा भी दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की दीक्षा दी और कहा, पुत्र तुम इस मंत्र का जप करना जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। अब वह बालक विष्णु भगवान का ध्यान और मंत्र का जाप करने लगा। कुछ समय में ही बालक की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर अपने विराट रूप में बालक को दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो मांग लो। बालक ने ज्ञान और योग का वरदान मांग लिया और भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के विष्णु के वरदान के कारण बालक महाज्ञानी महर्षि हो गए। एक दिन बालक ने नारद जी से पूछा, हे महामुनि, ये किस कर्म का फल है? मुझे इतनी सी उम्र में ही इतना दुख क्यों उठाना पड़ा? ग्रहों द्वारा क्यों पीड़ा पहुंचाई गई? मेरे माता पिता का भी कुछ पता नहीं है, वे कहाँ हैं, किस हाल में हैं, और मैं अपने मन से दुख लेकर कष्ट से जी रहा हूँ। हे महामुनि, मुझे सौभाग्य से आप मिले और आपने मेरे सभी संस्कार किए और मुझे ब्राह्मणत्व प्रदान किया। बालक के ऐसे वचन सुनकर नारद जी बोले कि तुम्हें शनि ग्रह की पीड़ा मिली है। इतना सुनते ही बालक को क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी दृष्टि उठाई और आकाश में शनि देव की तरफ देखा और शनि देव पर्वत पर गिर पड़े और उनका पैर टूट गया। भगवान शनि देव के धरा पर गिरते ही ब्रह्मदेव स्वयं वहां आए और उन्होंने बालक से कहा, तुमने पीपल के फल और पत्ते खाकर कठिन तपस्या की है और बावड़ी का पानी पिया है, इसलिए नारद जी ने तुम्हारा नाम पिंपलाद रखा है। तुम आज से संपूर्ण संसार में इसी नाम से जाने जाओगे। जो कोई भी शनिवार को भक्ति भाव से पूजन करने और तुम्हारे पिंपलाद नाम का स्मरण करेंगे, उन्हें 7 जन्म तक शनि की पीड़ा नहीं सहन करनी पड़ेगी और वे पुत्र पौत्र से युक्त होंगे। और अब तुम शनिदेव को पहले की ही भांति आकाश में स्थापित कर दो। जो कोई भी व्यक्ति शनिवार को व्रत कर इस कथा को सुनता है, वह यश वैभव सदैव उसी के साथ होते हैं। बोलो शनिदेव महाराज की जय। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।